हेलो फ्रेंड, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन फ्राई, जिसके लिए हमने 1 kg चिकन लिया है, जिसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। देखिए कितना साफ क्लीनली वॉश किया है हमने। और अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। ये हमने लिया है 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच हमने लिया है गरम मसाला और 1 चम्मच हमने लिया है चाट मसाला। अब हम इसको चिकन पर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें इसको मिक्स करना है। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए इस तरह मिक्स करके अब हम इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब हमने इसमें डाला है लहसुन पेस्ट, 1.5 चम्मच हमने इसमें लिया है लहसुन पेस्ट। ये देखिए ये हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए मैरिनेट करने के लिए। अभी हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे बेसन। हमने यहाँ पर 5 चम्मच बेसन लिया है। अब हमने डाला है यहाँ 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, इसको भी हम मिक्स कर देंगे। देखिए इस तरह से आपको बेसन और कॉर्नफ्लोर को मिक्स करना है। बेसन के साथ कॉर्नफ्लोर डालने से ना हमारा चिकन बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनता है, इसलिए हमने थोड़ा ही कॉर्नफ्लोर लिया है, सिर्फ 1 चम्मच। देखिए ये हमारा बेसन अच्छी तरह से चिकन पर लग गया है। अच्छे से हम इसको लगाकर 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि मसाला जो है और बेसन अच्छी तरह से चिकन में अब्सॉर्ब हो जाए। चिकन में मसाले अब्सॉर्ब हो जाते हैं तो उससे टेस्ट अच्छा आता है चिकन फ्राई होने का। ये देखिए अब हम इसको 20 मिनट के लिए रख देंगे, फिर उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारे 20 मिनट हो चुके हैं। इधर हमने अपनी एक कढ़ाई में ऑयल लिया है और अब उस ऑयल को हम हाई फ्लेम पर थोड़ी देर गर्म होने के लिए रख देंगे। जब हम देखेंगे हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, तब हम इसमें चिकन डालेंगे। ये देखिए अब इसको हम गर्म होने के लिए रख देंगे। ये देखिए हमारे चिकन, देखिए अच्छे से इसमें मसाला एब्जॉर्ब हो चुका है। इसको 20 मिनट हो गए हैं और इधर हमारा ऑयल भी गर्म हो गया है। अब हम अपनी फ्लेम को लो कर लेंगे। लो फ्लेम पर हम इसमें चिकन डालेंगे। अगर हम हाई फ्लेम पर डालेंगे तो हमारा चिकन जल जाएगा, इसलिए हम इसको लो फ्लेम पर ही डालेंगे। ये देखिए इस तरह से आप चिकन के पीसेस ऑयल में डालते जाए। अपनी फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखना है, हाई फ्लेम पर हमारा चिकन जल जाएगा।
देखिए किस तरह से आप चिकन डाल दिया है। अब हम इसको दूसरी साइड से पलट देंगे। हम देखेंगे एक साइड से हमारा चिकन हो गया है तो हमें उसको पलटते रहना है, नहीं तो एक तरफ से चल जाएगा। पहले हम इसको हाफ डन करेंगे, जब हमारा पूरा चिकन फ्राई हो जाएगा हम इसको हाफ डन करेंगे। हाफ डन करने के बाद फिर हम इसको दोबारा फुल डन करेंगे। अभी हम हाफ डन कर रहे हैं। इसी तरह हम सारे चिकन पीसेस डालते रहेंगे और हाफ डन करते रहेंगे। अभी हमारे चिकन थोड़ा ठंडा हो चुका है, अब हम इसको ये देखिए इस तरह से हम बीच बीच में से इसको खोल लेंगे ताकि अंदर तक से फ्राई हो जाए और अंदर से कच्चापन ना आए चिकन के अंदर। ये देखिए इस तरह से हम इसको थोड़ा थोड़ा खोल देंगे बीच में से ताकि अंदर कच्चापन ना रह जाए और अंदर से फुल फ्राई हो जाए। देखिए ऑयल हमें उसी तरह पहले फुल फ्लेम पर गरम करना है, फिर लो फ्लेम पर हमें चिकन डालना है। ये देखिए अब ये फुल फ्राई हो रहा है। अब हमारा चिकन फुल फ्राई हो रहा है। आप भी इसको ट्राई करें, आपको बहुत टेस्टी लगेगा।